सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मत प्रोग्राम हम मत बना गोरी तोरे चुनरी बाझल कहुआ जान मारे लहंगाई लखनऊआ ए गोरी तोरे चुनरी बाझल कहुआ जान मारे लहंगाई लखनऊआ। ये आप लोग को हमारे सभी दर्शकों से बताना चाहते हैं कि ये गाना सुन के क्या लगता है आपको? इसका गोरी तोर चुनरी टू ही टाइटल होना चाहिए ना। रितेश जी, इन दिनों आपका गाना काफी बज रहा है, गोरी तोर चुनरी पार्ट टू, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? उसको लेकर यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गोरी तोर चुनरी टू को इतना पसंद करने के लिए। इससे रिलेटेड ही एक सवाल है कि इस गाने को लेकर काफी विवाद हो रहा है, इस गाने को किसी और म्यूजिक कंपनी से भी, किसी और सिंगर ने भी गाया है, इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर काफी घमासान मचा हुआ है, कोई अपना पक्ष रख रहा है, कोई अपना पक्ष रख रहा है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं? हम अपना पक्ष रख चुके हैं, जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं, जो भी हमने दो दिन तीन दिन पहले बोला था, और सेम वही पक्ष है हमारा। ये गाना हमने आदि शक्ति के लिए रिकॉर्ड किया था, बट उन्होंने जब मेरा हेलो कौन गाना आया था उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही वो हेलो कौन टाइटल से ही दूसरे सिंगर का गाना रिलीज़ किया, तो हमें अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला कि अगर आप ऐसा किए हैं तो हम आपको ये गाना नहीं देंगे। और फिर उन्होंने, हुआ ये था कि जिस दिन हमने रिकॉर्ड किया था गाना उसी दिन उनको व्हाट्सअप हमने कर दिया था ये देखने के लिए कि देख लीजिए सही है ना सब कुछ, क्योंकि वो गाना हम आदि शक्ति के लिए ही रिकॉर्ड कर रहे थे। बट हमारा गाना, हमारी मर्जी, हमें अच्छा नहीं लगा कि आपके साथ काम करना चाहिए, हमने बोला ठीक है मैं अपना गाना नहीं दूंगा, तो उन्होंने वो गवा दिया खेसारी लाल यादव जी से। आदिशक्ति एंटरटेनमेंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है, उनके ऊपर आप कह रहे कि उन्होंने किसी और सिंगर से गवा लिया, आपका गाना है, तो इस पक्ष में उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, इस विषय में उनकी तरफ से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सारे लीगल प्रूफ हैं कि हमने ये कितने दिन पहले गाना रिकॉर्ड किया था जी। जो आपकी म्यूजिक डायरेक्टर है आशीष वर्मा जी, उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उनकी भी मेहनत है काफ़ी इस गाने के लिए, उन्हें भी बहुत दुख लगा है, और आप लोग सारे लोग सुन रहे होंगे कि उनकी बात हुई अंतरा सिंह प्रियंका जी से, जो मेरे गाने में भी उन्होंने ही गाया और उनके गानों में भी उन्होंने ही गाया, तो वो रिकॉर्डिंग सबने सुना होगा। तो अंतरा सिंह जी, प्रियंका जी खुद बोल रही हैं कि ये गाना, हमने उन लोगों से बोला कि ये गाना तो रितेश जी का है, आप लोग क्यों गवा रहे हैं, तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं अब यही होगा, उनका नहीं जाएगा, तो ये तो गलत है ना। खेसारी जी से कुछ बात हुई इस बारे में? जी नहीं, इस बारे में हमारी खेसारी भैया से कोई बात नहीं। अगला कदम क्या होगा आपका, जैसे कि लीगल एक्शन आप बोल रहे हैं? वीडियो रिलीज हुआ है और पब्लिक, हमारे दर्शकगण बहुत प्यार भी दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। इस मामले में मेरे तरफ नो कमेंट्स, चुकी ये इंटरनल चीज है, एक्सटर्नल तो संभाल नहीं पाता, इंटरनल कहाँ संभालू मैं। सुजीत जी, अभी आपके साल 5 फिल्में रिलीज पर है, कौन कौन जरा बताएं? नहीं, इस साल हमारी 5 नहीं 6 फिल्में, थैंक यू। सबसे पहला हमारा जीत है, नरसिम्हा है, मुझसे शादी करोगी, जोशीले, वारंट। मुझसे शादी करो किसी करना चाहते हैं आप? नहीं, मुझे शादी करो टाइटल है जिसमें हमारा हीरो करना चाहता है। रितेश जी की जो फिल्म है उसको रिलीज करने का कुछ प्लान है, कब तक कर सकते हैं? ये है 15, 10 से 15 अप्रैल।
10 से 15 फिल्म। सबसे पहले कौन सी पिक्चर रिलीज कर रहे हैं? सबसे पहला जो है फरवरी में है नरसिम्हा, अप्रैल में है जीत। रितेश जी के बारे में और कोई खास बात है जो शूटिंग के दरमियान आपको अच्छी लगी है? अभी एक ही बात बोलूँगा कि हम दोनों भाई जब साथ में काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कब शिफ्ट शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, तो वही बात है कि मतलब अपनापन का कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं है, मेरे पास सब नहीं है, जो प्यार है वो प्यार ही बना रहे अपनों तक। इसमें इनके इनके अपोजिट हीरोइन कौन है? इस जीत में इसमें तनुश्री। और कौन कौन से कलाकार हैं? तनुश्री है, अपना आकांक्षा दुबे है, एक इनके छोटे भाई करेक्टर किया है साकेत गिरी है, उमेश सिंह है, जय सिंह है, काफ़ी मतलब अपने इंडस्ट्री के जितने भी लगभग कलाकार इसमें है, ब्रजेश त्रिपाठी जी है, सबको इसमें। नितेश जी आप कितना कंफर्ट करते हैं सुजीत जी से काम करके? उन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दिया है। जैसा कि भैया ने बोला कि हमें तो इस फिल्म में हमारी पहली फिल्म है भैया के साथ, बट ये नहीं लगा कि एक डायरेक्टर और एक हीरो का रिलेशन है, ऐसा लगता है कि एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन है जैसे हम लोग काम करते हैं, और सारा चीज़ इजीली और बहुत बढ़िया हम लोग शूट किए हैं इस फिल्म में। तनु जी फिल्म है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी इंसान है, काम करके उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। सवाल पूछते हैं यार, दोनों में मजा आता है। इस साल कितनी फिल्में आपकी रिलीज पर है? इस साल फिल्म हमारी अभी राजा राजकुमार आ रही है, जीत आ रही है, और मजनुआ आ रही है, सैया थानेदार आ रहा है, डोली, रामकृष्ण बजरंगी, सरफरोश, बहुत सारी फिल्में लाइज है। अभी जो गाना के लिए बवाल चल रहा है, हम चाहते हैं लड़की बोलती है कि गली में गारा दा उड़ावा तो चाली मचे लैकन में खाला बाले कि मर लेने सेंट जब हम गम कहुआ। लड़का कहता है कि गोरी तुर अरे गोरी तुर चुनरी बाझल कहुआ जान मारे लहंगाई लखन हुआ, ए गोरी तुर चुनरी बाझल कहुआ जान मारे लहंगाई लखन हुआ। ये आप लोग को हमारे सभी दर्शकों से बताना चाहते हैं कि ये गाना सुन के क्या लगता है आपको? इसका गोरी तुर चुनरी टू ही टाइटल होना चाहिए ना, सच्चाई है आप सबके सामने। म्यूजिक और लिरिक्स के बारे में करना चाहेंगे, किसने दिया है, किसने दिखाया है? हाँ, म्यूजिक और लिरिक्स हमारे आशीष वर्मा भैया ने दिया है। हाँ, ये भी सत्य है कि जब हम लोग ये क्रिएशन कर रहे थे बनारस वाले स्टूडियो में बैठ के, तो हम लोगों के साथ अखिलेश कश्यप जी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन इसका सारा श्रेय हम बड़े भाई आशीष वर्मा जी को ही देना चाहते हैं। मतलब गीत भी आशीष वर्मा जी लिखे हैं आपके गाने का? जी। तो उसमें कश्यप जी का गाना गीत मेरा है, वो मौजूद थे वहाँ पे। हाँ। वो पटना से मौजूद थे, हमारी इस गाने की प्लानिंग पटना से। मैं जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये गाना हमने आदिशक्ति फिल्म के लिए ही रिकॉर्ड किया था, बट बीच में उनका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने बोला कि नहीं, ये गाना मैं अब वेब कंपनी को दूंगा, क्योंकि गोरी तुर चुनरी वन वेब से ही आया था, तो लीगल मेरे ख्याल से उसमें ही जाना चाहिए था टू, और उसके ऊपर से ऐसा कांड भी हो गया। तो वो साथ में थे हम लोगों ने बहुत सारा, और आशीष वर्मा भैया का भी ये बड़प्पन है कि वो बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि यार सब चीज़ का श्रेय हम खुद नहीं ले सकते हैं, दूसरों को भी देना चाहिए। तो अखिलेश कश्यप जी पटना से ही साथ में मौजूद थे, तो हम लोगों ने पहले यही कह दिया था कि गीत अखिलेश कश्यप। खेसारी लाल का कहना यह है कि मुझे नहीं पता था कि आपने गाना गाया है, रिलीज के बाद उनको मालूम चला कि ये गाना आपने गाया है, इस पे आप क्या कहेंगे? और आपका और उनका कोई ऑडियो भी वायरल हुआ, क्या वो सच्चाई है कितनी? मेरा और खेसारी लाल यादव जी का जी नहीं, जिसमें आपका ऑडियो काट के सिर्फ खेसारी का दिखाया गया? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा और उनका कोई बातचीत नहीं हुआ इस मैटर। एक सोशल मीडिया पे खबर है कि पब्लिक धक्का मुक्की का वीडियो आया है वायरल, नहीं ये फेक है, फेक वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, हम रवलवन के प्रणाम करत ही, और चलेगा हिंदी ना, कट कर रहे हैं, ओके चलेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम साकेत गिरी है, और आप लोग देख रहे हैं कि जीत के सेट पे हैं, हम इस पिक्चर में सेकंड लीड कर रहे हैं, और बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
बोले साकेत जी अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरुआत हुई एक्टिंग की, क्या इस फिल्म में क्या रोल है और पांडे जी इतने वेटरन कलाकार कहाँ जाएंगे? ये पिक्चर के डायरेक्टर हैं सुजीत सर और प्रोड्यूसर सुनील गिरी हैं, जो ये पिक्चर हम लोग मतलब लगभग इसको स्टार्ट हुए 6-7 महीने हो गए, बीच में गैप भी हो गया था, और ये पिक्चर को लेके तो बहुत बहुत उत्साही है और मतलब हम बहुत कॉन्फिडेंस से सारे काम कर रहे हैं और सब अच्छा और बेहतरीन तरीके से हो रहा है, और सुजीत सर हैं तो काम अच्छा ही होगा। देखिए सबसे पहले तो हमारे जो साकेत गिरी जी हैं जो इस पिक्चर में सेकंड लीड कर रहे हैं, इनका काम बहुत अच्छा लगा और ये नहीं लगा कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और इनके कैरियर के फर्स्ट पिक्चर है तो हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि ये चीज़ इनके भी करियर के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे टीम के करियर के लिए सबसे अच्छी जाए, हमारी यही शुभकामनाएं इनके लिए। बहुत बहुत शुभकामना साकेत के लिए और हमारे डायरेक्टर साहब के लिए और सारे दर्शकों के लिए 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। मेरा नाम प्रभात शर्मा है, सभी को हाँ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।